दीपावली के बाद आज सुहाग पड़वा का पर्व उत्साह से मनाया जा रहा है। नई पेट स्थित गजलक्ष्मी मंदिर में आज सुबह माता का अभिषेक पूजन के बाद श्रृंगार किया गया। इसके बाद सुहाग सिंदूर का वितरण शुरू हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस वर्ष ग्रहण के कारण दीपावली पर्व के तीसरे दिन यह आयोजन किया जा रहा है। दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण के कारण महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था। आज सुबह से ही भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। 25 से 30 मिनट में श्रद्धालुओं को दर्शन हो रहे हैं। वहीं वीआईपी दर्शनार्थी गर्भगृह में जाकर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रेस कोड का पालन नहीं करवाया जा रहा है। दीपावली पर नए वर्ष की शुरुआत देव दर्शन के साथ की जाती है। श्रद्धालु गर्भगृह में दर्शन पूजन कर रहे हैं, इनके लिए विशेष ड्रेस कोड निर्धारित है, जिसमें पुरुष धोती और महिलाएं साड़ी पहनकर ही प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आज सुबह से ही मंदिर में ड्रेस कोड का उल्लंघन किया जा रहा था। कतार में ऐसे कई श्रद्धालु लगे हुए थे जिन्होंने जीन्स पर ही धोती लपेट ली थी, और बच्चे तो जीन्स टी शर्ट में ही गर्भगृह में प्रवेश कर रहे थे। दसवीं की छात्रा को घर दिखाने के बहाने युवक साथ ले गया और दुष्कर्म किया व वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। छात्रा ने परिजनों के साथ माधवनगर थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि निशांत वाडिया निवासी किशनपुरा के खिलाफ उसी के मोहल्ले में रहने वाली 16 वर्षीय दसवीं की छात्रा ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि निशांत को वह 2 वर्षों से पहचानती थी। उज्जैन जिले के बड़नगर में बुधवार को गाय गौरी पर्व मनाया गया। इसके तहत मन्नत मांगने वालों की मन्नत पूरी होने पर लोग जमीन पर लेटते हैं और ऊपर से सैकड़ों गाय दौड़कर निकलती हैं। मन्नतधारियों का मानना है कि इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमूमन यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, परंतु सूर्य ग्रहण के कारण इस पर्व को एक दिन बाद मनाया गया। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के भिड़ावद में बुधवार सुबह से ही ग्रामीण अपनी गायों को सजाकर लाए। प्रातः गोवर्धन पूजा की गई। पूजा के बाद मन्नतधारी जमीन पर लेट गए। तत्पश्चात सैकड़ों गाय दौड़कर इन मन्नतधारियों के ऊपर से निकली। बीते कई वर्षों से गांव में इस अनूठी परंपरा का निर्वाहन किया जा रहा है। मंगलवार को सूर्य ग्रहण देखने के लिए शासकीय जीवाजी वेशशाला में भीड़ उमड़ी। सोलर फिल्टर युक्त चश्मे से सूर्य ग्रहण दिखाया गया। यहां पर वेशशाला में अधीक्षक ने लोगों को जानकारी दी। इधर सूर्य ग्रहण के कारण शाम के समय मंदिरों के पट बंद रहे। ग्रहण काल खत्म होने के बाद शुद्धिकरण किया गया और संध्या आरती हुई।